আর ফলে এনআরসি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিবলৈ গৈ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহক প্ৰবজনকাৰী আখ্যা দিয়ে। গুজৰাটৰ পৰা দিল্লীলৈ প্ৰবজন কৰা বুলি আচহুৱা মন্তব্য দি উল্লেখ কৰে যে দুয়োজন বৈধনে অবৈধ প্ৰবজনকাৰী কিয়া পিছতহে গম পোৱা যাব। দায়িত্বশীল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাৰ এনে মন্তব্যই দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত ইতিমধ্যেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है, घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, तो आपने तो खुद माइग्रेंट है, इलीगल हो, लीगल तो बात के पता चलेगा। लेकिन ये एनआरसी 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 नाम लेते 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 एक ऐसा माहौल पैदा हो जा रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो असली नागरिक है वो सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। जन जन लोग सारे कागजात लेके नहीं बैठे रहते, क्योंकि ये हमारा देश है, हम वोट डालते हैं और इतने सारे कागजात जुटाने की क्या जरूरत है। खासकर जो गरीब लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, जिनको पढ़ा लिखा नहीं आते हैं, निरक्षर लोग हैं, उन लोगों के पास कागजात होते हैं? कभी सुबह नींद टूटते हैं, दिन भर उनका सोच ही रहते हैं कि रात को खाना और कल की खाना कैसे हमें जुगाड़ करेंगे। तो उनके लिए कहाँ की कोई कागजात नागरिक कागजात क्या क्या फलाना फलाना, ये सोचने का समय नहीं है। और आज वो लोग डरे हुए हैं, वो दिखाना चाहते हैं मुसलमान को भगाएंगे। मुसलमान को नहीं भगाने का कोई हिम्मत उनका नहीं है। और मुसलमान अगर हमारा देश के है, नागरिक है, भागेगा क्यों? हिंदुस्तान सबके लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, गंगा जमुना तहजीब के हिंदुस्तान है, सबके सहयोग से हिंदुस्तान बने हुए हैं। लेकिन वो दिखाना चाहते हैं हम हिंदुओं को रहने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है क्या? सबका अधिकार समान है। আর অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মন্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বিজেপি নেতা জিভিএল নরসিংহায়। দেশ কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় গৃহমন্ত্রী জি কে প্রতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী নে যে বয়ান দিয়ে হ্যাঁ, इससे साफ हो जाता है कि अधीर रंजन चौधरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो एक सड़ी हुई दिमाग वाला व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं लोकसभा में, और ऐसे बेतुके बेबुनियाद बेवकूफ़ी वाले बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, ये घुसपैठियों की आपको वोट बैंक बनाने के लिए नहीं है और उनकी जागीर नहीं है। हिंदुस्तानियों के लिए समान है, सभी धर्म के लोगों के लिए समान है। बट लेकिन जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के और टीएमसी के नेता जो कह रहे हैं, तो उनका वोट बैंक खोने की जो उनका डर है, जो डर सता रही है, उनसे इस प्रकार की बिगड़ी हुई बोलने में इसको ऐसा बोलने में इनको प्रोवोक कर रही है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और नेत्री उनके तत्कालीन प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से हम डिमांड करते हैं कि अधीर रंजन चौधरी के इस बेतुके बयान के लिए कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे, और अधीर रंजन चौधरी की जो सही मायने में उनका दिमागी हालत ठीक होने के लिए उनसे इलाज करवाएं। চাৰিদিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নগাঁৱৰ মাধপাৰা প্ৰমীলা জাৰণীৰ এগৰাকী বিবাহ।